जी नमस्ते। नमस्कार मुझे बताया गया कि कोरोना की पहली वेव के दौरान आप सभी साथी बेंगलुरु में एक साथ रहे, सबने मिलकर कोरोना का मुकाबला किया, और इससे टीम स्पिरिट पर क्या असर पड़ा? सर। एक्चुअली मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट का उस टाइम बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैंगलोर में कैंप में थे। तो उस वक्त ये था कि हम लोगों ने ऐसे अपनी टीम को कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसके ऊपर काम किया। हम लोगों ने एक दूसरे के प्लेयर्स के बैकग्राउंड के बारे में जाना कि हाँ कि किससे कैसे प्लेयर ने अपना बैकग्राउंड स्टार्ट किया, कैसे उनकी फैमिली ने सेक्रीफाइस किया कि अपने बेटों अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। उस चीज के बारे में जाना कि हाँ कि इससे क्या है कि हमारी टीम बॉन्डिंग है और ज्यादा स्ट्रांग होगी। और ये था कि सर हम लोगों ने यही माना था कि हमारे पास अभी एक और साल बाकी है, तो हम लोग अपने आप को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने दूसरी टीम के बारे में स्टडी की, कैसे उनका क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या वीक पॉइंट्स हैं, कि कहाँ पे हम लोग उनको हर्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें काफी हमारे लिए हेल्पफुल रही सर। ओलंपिक में हॉकी में हमारे देश का बहुत शानदार इतिहास रहा है। ऐसे में स्वाभाविक है थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी का बहुत स्वाभाविक एक वातावरण बन जाता है और हर कोई चाहता है कि रिकॉर्ड बना करके रखना है, और इसकी वजह से खेल के दौरान आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा तनाव का माहौल तो नहीं होता है ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हॉकी ने अभी तक जो 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, सबसे ज्यादा मेडल जीते, तो हम लोग इसको प्राउड फील करते हैं कि हम लोग उसी स्पोर्ट को खेल रहे हैं। और जब भी हम लोग ओलंपिक्स में जाते हैं तो यही कोशिश करते हैं कि हाँ कि अपना पूरा बेस्ट है और इंडिया की मेडल जीते हैं। चलिए, आपके परिवारजन भी मुझे दिख रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनके आशीर्वाद आपके साथ बने रहते हैं और देशवासियों की शुभकामनाएं आपके साथ है। मनप्रीत, आपसे बात करते हुए मुझे मेजर ध्यानचंद, केडी सिंह बाबू, मोहम्मद शाहिद जैसे महान हॉकी खिलाड़ियों की याद आ रही है। आप हॉकी के महान इतिहास को और उज्जवल करेंगे, ऐसा मेरा और पूरे देश का विश्वास है। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके परिवारजनों को मेरा प्रणाम है।